देश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। देश में आज कोरोना वायरस संक्रमण के 3,92,488 नए केस सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश भर में 3,689 लोगों की मौत हुई है। वहीं शनिवार को कोरोना से संक्रमित 3,07,865 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 35,49,644 हो चुकी है। वहीं कोरोना के लगातार बढ़ते केस की वजह से राजधानी दिल्ली के कई हॉस्पिटल ऑक्सीजन की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। दिल्ली में शनिवार को एक दिन में संक्रमण से रिकॉर्ड 412 लोगों की मौत हुई है। वहीं महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 63,282 नए कोविड केस और 802 मौतें दर्ज की गई हैं। ओडिशा में कोरोना संक्रमण की वजह से 8,015 नए केस सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 14 लोगों की मौत हुई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में संक्रमण से कुल मामलों की संख्या 4,62,622 हो चुकी है, जिसमें अब तक 3,91,048 लोग ठीक हुए हैं और 2,068 लोगों की मौत हुई है। राज्य में एक्टिव केस की संख्या 69,453 है। वहीं कर्नाटक में भी कोरोना के 40,990 नए केस सामने आए हैं। देश में अब तक 15.68 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 1 मई को पहले दिन 18 से 44 साल के एज ग्रुप वाले 84,599 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।